वेलकम टू संजनाज वेज किचन। आज मैं बना रही हूँ उत्तपम, जिसमें मैं ढेर सारी सब्जियों का इस्तेमाल करूँगी। ये बहुत ही हेल्दी रेसिपी है सुबह के ब्रेकफास्ट के लिए और साथ में आपके बच्चों के टिफिन के लिए भी। तो चलिए बनाते हैं। उत्तपम बनाने के लिए मैंने यहाँ पे डोसा का रेडी वाला बैटर लिया है। आप चाहो तो इसे आसानी से घर पे भी बना सकते हो। सुबह सुबह इतनी जल्दी होती है ना सबको, और ये इडली डोसा का बैटर आपको हर जगह एकदम आसानी से मिल जाएगा। इस बैटर के साथ आप बहुत सारी रेसिपीज एकदम आसानी से बना सकते हो, और ये बैटर घर पे भी आप एकदम आसानी से बना सकते हो। परफेक्ट इडली डोसा बैटर बनाने की रेसिपी की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो आप चेक कर सकते हो। बैटर में हम डालेंगे अपने स्वाद के अनुसार नमक। मेरे पास यहाँ पे ज़्यादा क्वांटिटी में बैटर था, तो मैंने 1 टेबलस्पून नमक इसमें डाल दिया है। आप अपने स्वाद के अनुसार डालिएगा और नमक को अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लेंगे। और उत्तपम में देने के लिए मैंने यहाँ पे इन सब्जियों का इस्तेमाल किया है। सारी सब्जियों को एकदम बारीक कट कर लिया है। अगर आपको इनमें से कोई भी सब्जी नहीं पसंद तो आप मत डालिएगा, और अगर इसके अलावा भी आप कोई सब्जी डालना चाहे तो डाल सकते हो। उत्तपम बनाने के लिए मैंने यहाँ पे तवा गरम कर लिया है, उसमें 1 छोटा चम्मच तेल का डालेंगे। उत्तपम बनाने के लिए आप जहाँ तक हो सके नॉनस्टिक तवे का ही इस्तेमाल करें, ताकि आपको अच्छा रिजल्ट मिले। और मैं 1 चम्मच बैटर को ऐसे तवे पर डाल के फैला लूँगी। बच्चों के टिफिन के लिए आप चाहो तो एकदम छोटे छोटे मिनी उत्तपम भी बना सकते हो। और इसके ऊपर मैं डाल दूँगी ये गाजर कद्दूकस की हुई, और एकदम बारीक कटे हुए प्याज, थोड़ा सा हरा धनिया, थोड़े से बारीक कटे हुए टमाटर, बारीक कटी हुई हरी मिर्च, थोड़ी सी अदरक कद्दूकस की हुई, और 1 चम्मच की सहायता से हल्के से इन सब्जियों को प्रेस कर देंगे, ताकि सारी सब्जियां चिपक जाए, उतरे नहीं। जब उत्तपम में ऐसे बबल्स आ जाए तो आप उसमें 1 छोटा चम्मच ऑयल का डाल देना। अगर आपको ऑयल अवॉइड करना है तो आप बिना ऑयल के भी इसे बना सकते हो। और पीछे से चेक कर लेते हैं ये एकदम अच्छा सा क्रिस्पी सिका है कि नहीं। अगर अच्छा सा एकदम क्रिस्पी सिक गया है तो आपका उत्तपम रेडी है। अगर आप पलट के सेकना चाहते हैं तो सेक सकते हो, लेकिन मुझे ये ऐसे ही पसंद है। उत्तपम के साथ खाने के लिए एकदम परफेक्ट नारियल की चटनी की रेसिपी की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो आप जरूर से चेक करें। रेसिपी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन जरूर क्लिक कीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और हाँ, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी मुझे जरूर से फॉलो कीजिएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।